हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के यहाँ 8 बज रहे हैं, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं अभी लॉबी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8:30 बजे वैन आने वाली थी और आज हम जा रहे हैं आइलैंड घूमने के लिए, इसीलिए आज हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट वाली कोई क्लिप नहीं शेयर की है, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट जितने भी आइटम्स थे वो सेम ही थे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वेट कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे वैन आ रही है और इन जिन्होंने अपना अपना जैसे ग्रुप जो बुक किया है उसके हिसाब से यहाँ पे वैन आके और उन्हें जो है पियर के लिए लेके जा रही है। तो यहाँ पर जो है हमारी वैन आ गई है और हम अभी निकल गए हैं पियर के लिए। तो यहाँ पर जो पहले वाला हमारा था सिटी टूर और ये है आइलैंड टूर, तो ये दोनों टूर जो है हमने अपने होटल के ही एजेंट से बुक करवाया है। तो अभी आज हम आइलैंड घूमेंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पियर से जो है बोट लेना होगा। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहो तो स्पीड बोट भी ले सकते हो और चाहो तो स्लो बोट भी ले सकते हो, लेकिन हमने स्पीड बोट लिया है क्योंकि इससे पहले भी हम स्पीड बोट से आइलैंड घूम चुके हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं और हमारा जो ग्रुप था जो हमने बुक किया था उसका नाम था लान ला लीन मरीन, ये ग्रुप था। इनके टी शर्ट देखिए, इनके जो लोग हैं एजेंट इन्होंने पहन रखे हैं और ये स्पीड बोट से ही हमें घुमाएंगे। तो यहाँ पे सभी के आते ही जितने भी टूरिस्ट ने बुक किया था तो सभी के हाथों में ये अपना जो है एक टैग लगा देते हैं जिससे पहचान में आए। तो और यहाँ पे पियर पे भी यहाँ पे हल्का फुल्का जो ब्रेकफास्ट है रखा हुआ था, चाय कॉफ़ी कुकीज़ वगैरह, तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि हम होटल से ही ऑलरेडी खा के आए थे। और अब जो है हम यहाँ से जो है निकलेंगे। तो यहाँ पे निकलने से पहले हर ग्रुप को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कैसे घूमना है, आपके हाथों का टैग बहुत इम्पॉर्टेंट है और भी कुछ जो जानकारी है यहाँ से है, तो ये यहाँ पे बता रही हैं सभी को। उसके बाद जो है यहाँ पे स्पीड बोट के लिए सभी लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके जो है सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं और एक स्पीड बोट पे कम से कम 25 से 30 लोग ही जा सकते हैं। तो ये है फर्स्ट ग्रुप हमारा वाला। तो यहाँ पे जो है अभी भी लोग आके अभी बैठ रहे हैं और अभी यहाँ से जो है हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये देखिए ये जो जर्नी है हमारी स्पीड बोट वाली यहाँ से अब स्टार्ट हो चुकी है। आज हम आपको ले चलेंगे थाईलैंड के फांग नगावे की खूबसूरती यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफ़र। दोस्तों आज हम फांग नगावे की यात्रा पर निकले हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय स्थलों के लिए मशहूर है। हम एक बोट यात्रा पर जाएंगे और इस बे की सभी खास जगहों को देखेंगे। और ये देखिए जैसे ही बोट जो है इस फांग नगावे पे आती है आइलैंड पे, वैसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे बोट राइडर आ जाते हैं और हर बोट पे दो दो लोग ही बैठ के जो है पूरा आइलैंड घूमेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड और देवांश बैठ गए हैं, अब बारी थी हमारी। तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को तो आप देख ही सकते हैं। और इस छोटी सी बोट राइड से जो है ये पूरा आइलैंड घूमने का तो मज़ा ही कुछ अलग था। और ये भी हमारा पहला ही एक्सपीरियंस था जिसे हमने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ के जो बोट्स राइडर थे वो हर एक पहाड़ के बारे में बता रहे थे। और यहाँ पे कहीं कहीं कोकोडाइल का शेप, तो कहीं पे जो पानी के जो जीव जंतु थे वो भी दिखा रहे थे। और पहाड़ों को भी काफ़ी नज़दीक से जो देखने का जो एक्सपीरियंस था वो तो बयां ही नहीं किया जा सकता, जो बहुत सुंदर थे। और हर एक पहाड़ के बारे में जानकारी दे रहे थे और पहाड़ों का जो हर एक कोना है वो यहाँ पे घुमा रहे थे। तो ये देखिए राइडर्स जो हैं इस तरह से हर एक पहाड़ की जो विशेषता है वो आपको बता रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्लो स्लो आराम से जो है पूरा आइलैंड घुमा रहे थे।
तो इस आइलैंड का जो घूमने का मज़ा था वो तो अपने आप में ही एक अद्भुत था, क्योंकि इस तरह से हमने कभी भी नहीं घूमा था और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है एक आदमी जो है बैठा था रॉक, जो पहाड़ है इसके जो छोटे से रॉक पे, और यहाँ पे ये फ़ोटो खींच रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो है घूमने के लिए बहुत बड़ा आइलैंड था, और इसकी सुंदरता तो आप देखिए, तो इस आइलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और विश्वसनीय है। यहाँ का पानी इतना साफ और सुंदर है कि मानो नीला आकाश धरती पर उतर आया है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली से भरे यह दृश्य किसी जगह से कम नहीं लग रहे थे। और देखते देखते अब देखिए हम एक गुफा के अंदर जा रहे हैं, जो दोनों तरफ पहाड़ और बीच में से जो है एक एक सी बोट जा सकती थी। एक तरफ से एक बोट जा रही है और दूसरे तरफ से दूसरी बोट निकल रही थी। तो ये देखिए, अब हम जो है गुफा के अंदर जा रहे हैं, और काफ़ी आगे जाने के बाद तो पूरा ही अंधेरा छा जाता है और पहाड़ों से भी पानी बहुत टपक रहा था, जैसे लग रहा था कि पहाड़ों में भी जान है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे बोट राइडर्स तो है एक एक करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। तो ये अद्भुत सा नज़ारा जिसे बयां ही नहीं कर पा रही हूँ, ये जो है एकदम जो है आइलैंड में समुद्र के बीच, दो पहाड़ों के बीच में अभी हम जो है गुफा के अंदर जा रहे हैं। तो ये देखिए, बोट्स राइडर जो हैं एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो गुफा के एकदम अंदर जाने वाला जगह जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत ही कम स्पेस है। और ये देखिए, यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा जो पहाड़ों से पानी भी टपक रहा था। तो इसकी सुंदरता तो एकदम जो है अविश्वसनीय है, जो बयां ही नहीं हो पा रही है। इट्स ओके। ये है इस थाईलैंड की प्रसिद्ध गुफाएं। यहाँ का हर कोना किसी रहस्य से भरा हुआ लगता है। हमने आज तक कभी भी ऐसा अद्भुत बोट राइड नहीं किया है। गुफाओं की अंदरूनी सुंदरता और शांति को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फांग नाबे थाईलैंड के दक्षिण भाग में स्थित एक बेहद खूबसूरत और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय स्थल है। यह क्षेत्र अपने अनोखे चूना पत्थर की चट्टानों, गुफाओं और शानदार समुद्री दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और जैसे ही हम गुफा से निकले हैं तो आप सामने का दृश्य देख ही सकते हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में जो एक अद्भुत सा आइलैंड दिख रहा है, इसका नाम है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। तो ये वाला जो आइलैंड है, इसकी शेयर मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो पहले हम यहाँ पे इस आइलैंड का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे भी जो है बहुत यहाँ पे जो है
खुश थे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और ये बहुत बच्चे स्पेशली यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। इस बोट राइड से बच्चे बहुत खुश थे और यहाँ पे जिस गुफा के अंदर अब हम जा रहे हैं तो वहाँ पे बोले थे राइडर्स कि आप अपना सर जो है थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब थोड़ा सा सोने की तरफ रखिएगा, जिससे जो है चट्टाने आपके सर में ना लगे। तो यहाँ पे काफ़ी जो है गुफाएं और काफ़ी सारा जो है जगह यहाँ पे घूमने के लिए था, तो ये आप देख ही सकते हैं। और ये तो मतलब जो है जो देखे वही माने, जो समुद्र के बीच में जो पहाड़ हैं इतने बड़े बड़े, उस पे भी इतनी हरियाली देखने को मिलती है। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे जो टूरिस्ट लोग हैं आते हैं घूमने के लिए। तो यह जगह जो है हमेशा जो है पर्यटकों से भरा हुआ रहता है। और सबसे खास जगह जो थी ये वाली थी, यहाँ पे आपको हार्ट शेप दिख रहा होगा। ये जो है आइलैंड के एकदम बीच में है, जो चारों तरफ पहाड़ और बीच में पेड़ों ने इस तरह से डिज़ाइन जो है बनाया था, जिसका शेप बिल्कुल हार्ट शेप जैसा लग रहा था। तो इससे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी और भी क्या ही हो सकती है, जो प्रकृति की इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी जगह यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये देखिए, ये जो पेड़ों द्वारा बनाया गया हार्ट शेप था, वो भी हमें इस गुफा के जरिए होकर जाना होता है, फिर आपको ये अद्भुत सा जो दृश्य है आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो बच्चों को आया, ये यात्रा उनके लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। यह आइलैंड थाईलैंड के एक दक्षिण भाग में स्थित एक बेहद खूबसूरत और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय स्थल है। यह क्षेत्र अपने अनोखे चूना पत्थर की चट्टानों, गुफाओं और शानदार समुद्री दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। आइलैंड है वह थाईलैंड के अंडमान समुद्र में स्थित है और यह फांगना प्रांत का हिस्सा है। यहाँ की विशेषता इसकी ऊंची ऊंची चूना पत्थर की चट्टानें हैं, जो समुद्र से ऊपर उठती हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। दोनों पॉइंट में हाथ दे, टच कर। और यह जो बोट से जो हमें बोट राइडर यहाँ घुमा रहे थे, तो इस आइलैंड को घूमने में करीबन यहाँ पे 40 से 45 मिनट जो है लग जाते हैं।
और यह जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर अब देखिए जो देवांश है वो बोट चला रहा है। तो ये जो कुछ एक्टिविटी होती हैं जो बोट राइडर्स बोलते हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है फ़ोटो खिंचवाते हैं हर एक आइलैंड पे रुक के, अलग अलग आइलैंड पे जाकर और हर पोज में। तो यहाँ पे जो है बोट राइडर्स लोग भी बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे देवांश को दिया था जो आप यहाँ पे चला सकते हो। और जैसे ही हम यहाँ पे एकदम पहाड़ के नज़दीक आए थे तो ये देखिए यहाँ पे ना एक क्रैब है जो हमें यहाँ पे जो बोट राइडर है वो एकदम नज़दीक से दिखाने की जो है कोशिश कर रहा था। तो ये देखिए आपको भी यहाँ जो है वीडियो में एक छोटा सा जो क्रैब है दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे दूसरा वाला जो है ग्रीन कलर का। तो इस तरह के जो है जीव जंतु भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे तो हमने बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा यहाँ हमें अच्छा लगा। उसके बाद जैसे ही देवांश यहाँ पे जो है बोट चला रहा था तो दृष्टि की भी डिमांड थी जो मुझे भी चलाना है। और ये जो आइलैंड टूर है ये हमने फुकेट से ही लिया है। अगर आप चाहो तो कराबी से भी कर सकते हो, बट हमने फुकेट से लिया है। और अगर आप कभी भी फुकेट आ रहे हो तो आप इस आइलैंड टूर को करना तो कभी भी मत मिस करिएगा। और दृष्टि जो है अपना बोट चलाने का एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रही थी। तो अब ये आइलैंड जो है हमारा घूम के हो गया था और अब हम बढ़ रहे थे अपने स्पीड बोट की तरफ। तो हम आ गए हैं स्पीड बोट में और यहाँ पे पानी, जूस और कुछ स्नैक्स रखा हुआ था जो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी फांग नगा बे की यात्रा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए भी बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।